दोस्तों कैसे हो, मैं हूं सौरभ और लेके आया हूं एक फिर से नया वीडियो। दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसबी क्रिएटर्स। तो बहुत दिनों के बाद अभी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड कर रहा हूं। मैं जा रहा हूं बैंगलोर के लिए। बैंगलोर आश्रम में हर साल मैं जाता हूं क्योंकि वहां पे अभी महाशिवरात्रि का प्रोग्राम है। तो मैं वहाँ पे एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम कर रहा हूँ। ये मेरा सेकंड एडवांस मेडिटेशन है जो मैं अभी कर रहा हूँ। तो अभी बस थोड़ी देर बाद रेलवे स्टेशन जाऊँगा। अभी नागपुर रेलवे स्टेशन पे मैं थोड़ी देर बाद जाऊँगा और मेरे ट्रेन का जो टाइम है 4:25 PM। लगेज भी रेडी हो गया है। तो मैंने जब मुंबई गया था मेरी फैमिली के साथ, तो मैंने दो बैग्स लिए थे नए। तो एक ट्रॉली बैग लिया था, ये है कार्टन का, और ये बैग भी अभी पूरा भर दिया है मैंने। और साथ में एक रहेगा बैकपैक, और ये शूज़ अभी पहनूंगा मैं। तो बस थोड़ी ही देर बाद अभी मुझे जाना है स्टेशन के लिए, और बाकी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और मैं जैसा पॉसिबल होगा वैसा व्लॉग बनाऊंगा, क्योंकि मेडिटेशन का प्रोग्राम रहेगा तो स्टार्टिंग के डेज तो मैं सिर्फ वहाँ पर पहुँचने का बनूंगा। उसके बाद हम बढ़िया सा आपको तो अभी रेलवे स्टेशन जाने के लिए मैं निकल गया हूँ, और अभी मेरे को पप्पा छोड़ के दे रहे हैं स्टेशन। ट्रॉली बैग ऐसे रख दिया मैंने यहाँ पे। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जा रहा हूँ। 1 पे आने वाली थी पर अभी 1 आवर डिले हो गई है ट्रेन, और 1 आवर से मैं यही बैठा था। अभी देखते हैं कब आएगी, काफ़ी ज़्यादा डिले हो गई। मैं अभी पहुंच गया हूँ बैंगलोर रेलवे स्टेशन पे। SMBB स्टेशन का नाम है, लेकिन है वो KSR बेंगलुरु स्टेशन पे रुकती थी, इस बार थोड़ा नया वाला है। तो अभी मुझे सबसे पहले यहाँ से जाना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे यहाँ से ऑटो करके और फिर मैजेस्टिक जो मेन स्टेशन है वहाँ से मेट्रो करके जाऊँगा मैं आश्रम, बेंगलोर आश्रम में। तो चलो चलते हैं, सबसे पहले कुछ खाते हैं। और अभी मैं ऑटो से इधर आया हूँ केम्पेगोंडा मेट्रो स्टेशन, मतलब मैजेस्टिक मेट्रो स्टेशन जो है। तो अभी 8:30 हो रहा है नाइट में, और अभी जा रहा हूँ मैं यहाँ से सिल्क इंस्टीट्यूट। तो पूरा दिन निकल गया आज, और काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई क्योंकि जो ट्रेन थी वो काफ़ी ज़्यादा 3 आवर्स लेट थी, इसी वजह से बहुत टाइम चला गया। तो अभी जाते हैं मेट्रो स्टेशन में। तो मैंने चाय ब्रेक तो लिया था, यहाँ पर भी है। बस पहुंच गए आश्रम के करीब। तो बस यहाँ पे रुकती है, और यहाँ पे लाइट भी था अच्छा, तो लाइट में बढ़िया दिखेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे रुका और ब्लॉग बना रहा हूँ। तो बस आश्रम का गेट है वहाँ पे, चलो एंट्री करते हैं आश्रम के अंदर। और बहुत ही बढ़िया लग रहा है, अभी 9:15 हो गए रात के, इतना टाइम लग गया। आश्रम के अंदर एंट्री कर लिया है मैंने, अभी जाता हूँ मैं रिसेप्शन पे और अपना जो है एकोमोडेशन चेक करते हैं कहाँ पे है। और बढ़िया लग रहा है, अभी खाली हो गया क्योंकि रात का समय है ना, तो थोड़ा शांत है, काफ़ी लेट पहुँचे हम लोग मतलब मैं।
दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? तो अभी फर्स्ट डे है मेरे एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम का और अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। अभी मैं जा रहा हूँ किचन में ब्रेकफास्ट करने के लिए और यहाँ पे नया अनुग्रह मंडप बना हुआ है और अभी जाते हैं किचन की तरफ। काफ़ी तेज़ भूख लगी है मुझे और यहाँ का एरिया भी बहुत बढ़िया बन गया है। अभी मैं इससे पहले जब आया था तब बनने का था। दोस्तों, अभी महाशिवरात्रि की शाम हो गई है, आज है 18th और अभी मैं हूँ गुरुपादुका वनम के सामने और पूजा शुरू हो गई है महाशिवरात्रि की और अभी जाते हैं और पूजा में बैठते हैं। और मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, इवनिंग हो गया और मेरा जो एडवांस कोर्स था वो आज 2 बजे ख़त्म हुआ दोपहर को, उस वजह से मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ व्लॉग को 18th को।
और बहुत ही बढ़िया सजाया हुआ है आश्रम। मैं आपको भी दिखाता हूँ अंदर से। त्रिवेणी संगम ज्ञान भक्ति और कर्म की ऐसे ही साधना सेवा और सत्संग। अब सबसे पहले सेवा का कुछ काम पर बात करते हैं, फिर अपना ध्यान करेंगे। ओम अतलाय नमः, ओम वितलाय नमः। रे तो हृदये मये भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशां च पतये, नमो मनो वृक्षे मोहिनीकेशे भक्पशूनां पतये, नमो नमस्तत्पिञ्जरा। कैसे हो? मैं हूँ सौरभ।
तो अभी मेरा बैंगलोर आश्रम में 8th डे है। मेरा 5th डेज का AMP एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम था जो कि बहुत ही अच्छा था। और अभी मैंने 2 दिन एक्स्ट्रा में और रुका था, महाशिवरात्रि का प्रोग्राम था यहाँ पे, तो 150,000 पीपल्स प्लस जो है इवेंट बहुत ही बढ़िया हुआ महाशिवरात्रि का। तो उसे आपको देखना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आर्ट ऑफ लिविंग का जो चैनल है उसका लिंक दे दूंगा, जो महाशिवरात्रि का मेन सेलिब्रेशन का वीडियो है। अभी शाम का फ्लाइट है मेरा 7:30 का, तो मुझे निकलना पड़ेगा जल्दी दोपहर को। और बस अभी बहुत ही बढ़िया लग रहा है, आश्रम खाली हो गया है, बहुत सारे लोगों ने चेकआउट कर लिया है। मैं भी आज जा रहा हूँ नागपुर के लिए, तो इंडिगो का फ्लाइट है मेरा। चलो थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो ये है अपर्णा निवास जहाँ पे मेरा स्टे था, अपर्णा अकोमोडेशन, यहाँ पे रुका था मैं अभी 9 डेज के लिए। तो अभी मैं जा रहा हूँ, निकल रहा हूँ एयरपोर्ट के लिए और आश्रम को बाय बाय करने का टाइम आ गया है। और एयरपोर्ट यहाँ से 80 किलोमीटर्स जैसा मैंने बताया था काफ़ी ज़्यादा दूर है, शाम हो सकती है पहुँचने के लिए। अभी निकलते हैं, रास्ते में जो भी होगा सब आप देखेंगे। मज़ा करना, एंजॉय करना इस वीडियो को, व्लॉग को देखना ज़रूर पूरा एंड तक, स्क्रिप मत करो। Here we are, we lock down in different cities, and our virtual connection falls apart. Guess it's been too many years since California. Now the memories of us is all I have. See, one day I'm gonna reach ya, take a plane for many miles. We pretend that time didn't pass us by when we're on Mulholland Drive. I know it won't be long before dawn, gotta be patient for a while. तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और ये जो मेरे पीछे बस स्टेशन है, बस स्टॉप है ना, इसी बस से मैं बानाशंकरी मेट्रो स्टेशन से मैं बैठा था, तो मुझे 275 रुपीज़ लगा था। और अभी कुछ खाते हैं, मुझे भूख लगी है सबसे पहले। और एयरपोर्ट तो बहुत ही बड़ा है यहाँ पे, कैफेटेरिया भी बहुत ज़्यादा है, अभी देखते हैं कहाँ पे खाना है। तो अभी फर्स्ट टाइम मैं सबवे का ये ट्राई कर रहा हूँ, मैंने आलू पेटी का बनाया है, अभी देखते हैं कैसा लगता है मेरे को टेस्ट। मैंने इससे पहले सबवे का भी ट्राई नहीं किया। और अभी मेरा फ्लाइट का टाइम तो बहुत लेट है, 7:30 का है, 7:30 का है शाम को, और अभी दोपहर के 4 बजने वाले हैं थोड़ी देर बाद। और बस थोड़ा मेरा गला बैठा हुआ है, थोड़ा इस तरीके से आवाज़ आ रहा है अभी। और एयरपोर्ट तो बहुत ही बड़ा है अभी। डिलाइटफुल साउथ इंडियन से मैसूर मसाला डोसा लिया, अभी देखते हैं टेस्ट करते हैं, अभी बना रहे वो लोग, बैठ के खाएंगे अभी। बढ़िया टाइम है अभी, बहुत बढ़िया।
पहुंच गया हूँ अपने घर पे नागपुर में, और अभी टाइम हो रहा है रात के 10 बज रहे हैं, और बस बढ़िया जर्नी रही। आई होप आपको ये बैंगलोर का व्लॉग अच्छा लगा होगा, आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर बैंगलोर का। और मेरा थोड़ा आवाज़ हेवी हो गया है, मतलब थोड़ा गला तबीयत ख़राब थी 2-3 दिन थोड़ा बीच में, बट अभी ठीक है। और मुझे तो बहुत मज़ा आया, महाशिवरात्रि में बहुत ही ज़बरदस्त इन्जॉय किया मैंने। और करते हैं अपन, मिलते हैं जल्दी अगली ऐसी वीडियो में। बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, साइनिंग ऑफ विद SB।